अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ नवीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टीपी लिंक CPE 210 को क्लाइंट मोड पे कैसे जो है वो सेट कर सकते हैं और कैसे आप किसी दूसरे यूज़र से जो है वो आप ज़रिया जो है वो क्लाइंट जो है वो आप नेट रिसीव कर सकते हैं। तो उस आपको मैं टीपी लिंक CPE 210 की सेटिंग के मतलब बताऊँगा। तो उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ जो है मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। तो चलें सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लोकल एरिया कनेक्शन को ओपन करना है और इधर आपने प्रॉपर्टी में आ जाना है। प्रॉपर्टी में आकर आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में आना है और यहाँ पर आपने IP देना है 192.168.0.100 और सब मास्क की जगह पे जो आपने क्लिक करना है तो ओके कर देना है और फिर दोबारा इधर ओके कर देना है। और उसके बाद आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। मेरे पास ये ब्राउज़र ओपन है, ओपन करता हूँ मैं। अगर आपके पास कोई गूगल क्रोम या ओपरा वगैरह है तो वो आप ओपन कर लें। तो मैं ये जो है वो कोमोडो ड्रैगन जो है मेरे पास ब्राउज़र है, जो मैं उसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पर आपने टीपी लिंक CPE 210 का जो फिज़िकल IP है वो आपने इंटर करना है। इसका फिज़िकल IP जो है वो 192.168.0.254 और आपने इंटर कर देना है। तो हमारे पास जो डिवाइस जो है वो टीपी लिंक CPE वो ये ओपन हो चुकी है। तो इसका जो यूज़र नेम है वो एडमिन है, एडमिन, और इसका पासवर्ड जो है वो भी एडमिन ही है। और यहाँ से आपने कंट्री जो है वो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो मैं इधर से ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और लैंग्वेज जो है आपने इंग्लिश कर देनी है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है और लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पर डिवाइस जो है वो दोबारा जो है वो नया पासवर्ड पूछेगी। तो यहाँ पर आपने पहले जो इसका पासवर्ड था वो एडमिन था, तो ये सिक्योरिटी के लिए जो है वो और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये जो दोबारा पासवर्ड पूछ रही है, तो यहाँ पर आपने अपना न्यू कोई भी पासवर्ड डालना और उसके बाद कन्फर्म की जगह पे भी जो आपने वही पासवर्ड जो ऊपर दिया है वो यहाँ पर इंटर करना है। और फिनिश कर देना है इधर से। तो हमारे पास डिवाइस जो है वो ओपन हो चुकी है टीपी लिंक 210। इसके बाद हमने इसको जो है वो हमने क्लाइंट पे जो है वो इसको कॉन्फ़िगर करना है ताकि हम किसी से जो है वो इंटरनेट जो है वो रिसीव कर सकें। तो क्लाइंट मोड पे करने के लिए